बसमिल्ला वसलाम रसोली वबाद एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें बताया गया है कि जो आदमी जुमा के दिन एक हज़ार मरतबा दरूशरीफ़ पढ़ेगा अल्लाह ताला मौत से पहले जन्नत में उसको उसका घर दिखाएगा वीडियो देखिए जो जुमे वाले दिन जो आज जुमे का दिन है जो जुमे वाले दिन एक हज़ार दफ़ा दरूशरीफ़ पढ़ेगा आज के दिन कल की मगरब से लेके आज की मगरब तक जो एक हजार दफा द्रू पड़ेगा अल्लाह मौत से पहले इसको जन्नत में इसका घर दिखाएंगे ये द्रू की फजीलत है जो सारा वक्त द्रुषि पड़ता रहेगा अल्लाह तबारक बताना इसके काम गैब से बनाएगा ये बात सही नहीं है हाँ जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत आई है और इसकी तरगीब भी दी गई है चुनांचे इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने असुनानुल कुबरा में ये रिवायत नकल किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ارشاد فرمایا اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه فمن صلى علي صلاه تن صلى الله عليه اشرا कि जुमा के दिन और उसकी रात में कसरत से मुझ पर दरुद भेजो जिसने मुझ पर एक मरतबा दरुद भेजा अल्लाह ताला उस पर दस रहमतें नादिल फरमाता है यह हदीस बिल्कुल सही है इसलिए जुमा के दिन कसरत से दरुद भेजने का अहतमाम करना चाहिए लेकिन जुमा के दिन एक हज़ार मरतबा दरुद पढ़ने के बारे में कोई सही रिवायत नहीं आई जो रिवायत है वो यूँ है जिसने जुमा के दिन मुझ पर एक हज़ार मरतबा दरूद भेजा वो मौत से पहले अपना ठिकाना जन्नत में देख लेगा इस रिवायत को अल्लामा अलामा अलबानी ने ला तरगीब व तरहीब में मुनकर कहा है गोया ये रिवायत मुनकर है और जब रिवायत मुनकर ठहरी तो उस पर अमल नहीं किया जा सकता शेख़ उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह इसी सवाल का जवाब देते हुए फरमाते हैं फ़ैदाकाल असला तो अलर रसूल كل وقت قلنا सदकता अगर कोई आदमी कहता है कि हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम पर दरोद भेजना मशरू है तो हम कहेंगे कि तुमने बिल्कुल सच कहा वलाकिन लिमादा तो कई आयनत दलीलों तक लेकिन तुम एक हज़ार बार की क़ैद क्यों लगाते हो इसके लिए तुम्हारे पास दलील कहाँ से आई पता ये चला कि एक हज़ार मरतबा की तहदीद करना इसके लिए दलील चाहिए और रिवायत के बारे में हमें पता चल गया कि ये रिवायत मुनकर है लिहाजा इस पर अमल नहीं किया जा सकता हाँ इतना ज़रूर है के जुमा के दिन कसरत से दर्द भेजने का एहतमाम करना चाहिए